वोटर आधार कार्ड पर्याप्त नहीं है क्या? आधार कार्ड का कोई आधार नहीं रहा? आप मुसलमानों को क्यों हटा रहे हैं? आप बताइए, काला कानून वापस नहीं होगा, हम लोग आंदोलन करते रहे। नीतीश कुमार को जवाब देना होगा। देखिए, यहाँ जो पूरे देश में NRC, NPR और CA के खिलाफ आंदोलन हो रहा है, ये जो दलित के नाते जो देश के नागरिकों को परेशान करने की साजिश की जा रही है, और जो उसका मूल जो मांग है शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार, उनसे उन सवालों पर बात ना कर करके जिस नागरिकों ने, जिस बहुजन समाज के लोगों ने, इस देश की जनता ने सरकार बनाई है, आप उसी से उसकी नागरिकता मांग रहे हैं। इसके खिलाफ में बिहार में हम लोगों ने 125 जगह पे इस तरह का आंदोलन और सत्याग्रह का आयोजन किया है, जो पूरे देश में कहीं के भी आंदोलन से सबसे ज़्यादा है। शाहीन बाग में हो रहा है और बिहार में पूरे स्टेट में हो रहा है। तो जब तक ये काला कानून वापस नहीं होगा, हम लोग आंदोलन करते रहेंगे। CAA, NPR और NRC को वापस लेना होगा केंद्र सरकार को। आप, हम इस देश के मालिक हैं, ये जनता मालिक है। लोकतंत्र जनता के द्वारा शासन किया जाता है, ना कि जिन्हें हम बना दिए जाते हैं वो इन्हीं के नागरिकों से सवाल करें ये कहां तक जाएगी। इसके खिलाफ आज पटना यूनिवर्सिटी के लाल बाग के सामने जो हम लोग आंदोलन कर रहे हैं, आज 12वां दिन है। लगातार देखिए, जो महिलाएं हैं डटी हुई हैं, जितने छात्र हैं, युवा हैं, बुद्धिजीवी हैं, सभी हिंदू, मुस्लिम, दलित, आदिवासी मिल कर करके, OBC मिल करके आंदोलन को चला रहे हैं। ये कोई मुसलमानों का आंदोलन, अब भारतीय संविधान, बाबा साहब का संविधान, जिसमें धर्मनिरपेक्षता जुड़ा हुआ है, उसके सवाल पर, उसके खिलाफ हम लोग हैं कि आप धर्मनिरपेक्षता के आधार पर आप कैसे किसी नागरिक को यहाँ से हटाने की साजिश रच सकते हैं। इस देश के हिंदू, मुस्लिम, दलित, आदिवासी, सिख, ईसाई सब इस देश में जो हैं, जो भारत के नागरिक हैं, उन्होंने भी अपनी आज़ादी में योगदान दिया है। इसके लिए हम लोग यहाँ डटे हुए हैं, किसी के साथ भेदभाव नहीं। ये तो आप लागू क्यों किए हैं? देश में नागरिकता का कानून बना हुआ है, 1955 में नागरिकता का कानून बना। आप उस आधार पर जिस तरह से अदनान शामिम को आप नागरिकता दिए जो पाकिस्तान का है, उसी तरह से आप गैर जो मुस्लिम है उसको नागरिकता दे सकते थे, पर आप मुसलमानों को क्यों हटा रहे हैं? आप बताइए, इस देश में मुसलमानों ने भी शहादत दी, चाहे अशफाक हो, बिस्मिल हो, अम्बेडकर ने संविधान बनाया, सभी का योगदान है, इसके बावजूद भी आप धर्म के आधार पर भेदभाव क्यों कर रहे हैं? नागरिकता का कोई सवाल ही नहीं, यही नागरिक ने आपको, आपकी सरकार बनाई, उस नागरिकों पर आप उंगली उठाने वाले कौन होते हैं? हमारा ये मांग है, हम एक दलित की आवाज़, जो नरेंद्र मोदी अगर सुन रहा है तो सुन रहे कि हम लोग मुस्लिमों के साथ हैं, आदिवासियों के साथ हैं, बहुजनों के साथ हैं। इस देश की जो भी जनता है, किसी के साथ अन्याय ना हो, चाहे वो सामान्य वर्ग का क्यों ना हो, पर इस तरह से संविधान के खिलाफ खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं करें। देश के लिए एकदम खतरनाक है, ये देश के लिए खतरनाक नहीं तो क्या है? आप देश के नागरिकों को पूरा नोटबंदी की तरह लाइन पर खड़ा करना चाहते हैं, सबसे कागज मांग रहे हैं। आप क्यों मांग रहे हैं कागज? ये वोटर आधार कार्ड पर्याप्त नहीं है क्या? आधार कार्ड का कोई आधार नहीं रहा या वोटर कार्ड की कोई पहचान नहीं रही? हम नरेंद्र मोदी से ये पूछना चाहते हैं। आप कहिए कि उसका कोई वैल्यू नहीं है, अगर उसका ये वैल्यू नहीं है तो आपकी सरकार भी अवैध है। आप सरकार गिरा दीजिए, अंतरिम सरकार बनाए, जिस तरह से आज़ादी 1947 में मिली थी और आम चुनाव 1952 में हुआ था, सभी विचारों के लोग अंतरिम सरकार में थे, आप अंतरिम सरकार बना लीजिए और जो फैसला लेना है लीजिए। सभी लोगों को जो है, जनता का जो प्रतिनिधि है, जो समाज सेवी है, सर्वदलीय बैठक बुलाइए, विपक्ष के साथ बैठक बुलाइए। आप क्यों नहीं बुला रहे हैं? आप, आपको बहुमत मिल गया, इसका मतलब आप हिटलर शाही करेंगे? ये कहां तक जाएंगे आप बताइए? नीतीश कुमार तो, उनको तो समय, उनको तो आया भी, अमित शाह यहाँ पे आया था, उनके मंच पर जा करके वो क्यों नहीं बोलते कि NRC नहीं लागू होने देंगे? वहाँ पार्लियामेंट में वोट लेकर के समर्थन देते हैं, जो CA भी था उसको CAA बना देते हैं। अब कह रहे हैं कि NRC नहीं लागू होने देंगे। NPR का गजट उन्होंने पास कर दिया है, उसमें मांगा गया है कि आप डाउटफुल सिटीजन है। नीतीश कुमार को जवाब देना होगा, क्योंकि बिहार की जनता आपको चुनी है। आप अगर NRC के खिलाफ हैं तो आप बिहार विधानसभा से प्रस्ताव, सर्वदलीय बैठक कर करके, यहाँ से कैबिनेट की बैठक कर करके प्रस्ताव विधानसभा से पारित करा के केंद्र सरकार को भेजिए कि NRC, NPR, CA हम लागू नहीं होने देंगे। तो आप जनता को मूर्ख क्यों बना रहे हैं?